सर आपको यहाँ से खुद ही जाना होगा क्योंकि मेरी मदर बीमार है और मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है, सो मुझे लेट हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, टेक केयर मदर। अब थैंक यू, आपकी गाड़ी में मेरा फोन भी चार्ज हो गया। गुड लक। बोल बॉस, मुझे पता है कि केरा कहाँ है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ हो सकती है। अरे घुमा फिरा के क्या बोल रहा है, सीधा बोलना। बॉस मुझे अभी वो रॉकस्टार अभिषेक मेरा मिला था, उसकी कार खराब हो गई थी और उसने मुझसे हवेली तक लिफ्ट मांगी। और बॉस ये वही हवेली है जो शेट्टी को बहुत पसंद थी। उसे लगता है कि इस काम के लिए यही जगह सेफ है। हाँ बॉस, केरा उसी के पास हो सकती है और उसी ने अभिषेक को बुलाया होगा। मुझे पता है, प्रज्ञा को फोन किया था उसने केरा को वापस लेने के लिए। तू वही रुक, मैं आ रहा हूँ। और सुन, अभी को वही रुका के रखना, समझा। पर वो तो चला गया बॉस। एंड डोंट वरी, मैंने उसे हवेली से बहुत दूर उतारा है। और जब तक वो पहुंचेगा, उससे पहले तो आप पहुंच जाओगे। अभी के आने के पहले मैं कियारा को शेट्टी से ले लूंगा। तू वही रुक, मैं आ रहा हूं। ओके बॉस। मिस्टर किंग, अभी जो आदमी वहां पर बाहर गया है, वो कौन था? मैं जानती हूँ आप नहीं चाहते कि मैं उसे देखूं। मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? पता नहीं, लेकिन वो यहाँ पर पीट करके बैठा था और अपना मुंह छुपा कर बाहर गया। और जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो वो रुका भी नहीं। इसे एक बात तो साफ हो जाती है कि वो नहीं चाहता था कि मैं उसको देखूं। पर ऐसा क्यों चाहता था? What is happening here? मुझे कैसे पता आलिया, तुम उसके पीछे गई थी, तुम्हें पूछ लेना चाहिए था। मिस्टर किंग, मुझे पता है यहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा है। आप मुझे बताएंगे या नहीं कौन था वो और क्या चल रहा है यहाँ पर? तुम कहना चाहती हो कि कियारा की किडनैपिंग में मेरा हाथ है? क्या मैं किडनैपर को जानता हूँ? हाँ। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मुझे इंसान पहचानने आते हैं। मैंने पूरब से प्यार किया, बेइंतहा प्यार किया, और तनु ने मेरे भाई से। लेकिन हम दोनों के प्यार में जमीन आसमान का फर्क था। भाई जिससे प्यार करते, तनु उसे हर्ट करते रहे, और पूरब जिससे प्यार करता है, मैंने कभी उसके साथ कुछ नहीं किया क्योंकि मैं पूरब से प्यार करती हूँ। और मैं जानती हूँ कि जिससे आप प्यार करते हैं, आप उसे हर्ट नहीं कर सकते। इसलिए मैंने दिशा के साथ कभी कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी अगर उसके साथ कुछ भी होगा तो पूरब सह नहीं पाएगा। तो मुझे ये सब क्यों बता रही हो? मैं आपको सब इसलिए बता रही हूँ मिस्टर किंग, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका प्यार तनु के प्यार के जैसा है। You can't see beyond your love. Or maybe it's not even love. जिस तरीके तनु ने कभी नहीं सोचा कि उसका रिवेंज भाई के लिए कितना ट्रबलसम हो सकता है, वैसे ही ना आपने कभी सोचा। वहां तनु भी गलत करने से पहले कुछ नहीं सोचती, यहां पर आप भी कुछ गलत करने से पहले नहीं सोच रहे, और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पागल हो गई हो तुम। काश मैं पागल हो गई होती तो आप ये जो कर रहे हैं ना, उसका जवाब मैं अपनी पागल पत्ती से देती। मिस्टर किंग, शट अप। प्रज्ञा और कियारा मेरी फैमिली थी, मुझसे मेरी फैमिली छीन ली गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और की फैमिली जाके छीनूंगा। क्या मिलेगा मुझे ऐसा करने से? क्या प्रज्ञा और कियारा वापस मेरे पास आ जाएंगी? नहीं ना। कियारा मेरी सब कुछ है आलिया, आई लव माय प्रिंसेस। जिसे आप प्रिंसेस बुला रहे हैं, वो प्रिंसेस मेरे भाई की बेटी है मिस्टर किंग। हमारा खून और खून के रिश्ते से कोई बड़ा नहीं होता। तुम्हें पता है सारी दुनिया देवकी के आगे यशोदा को ही कृष्ण भगवान की मां मानते हैं। I'm sure you know that। जितने महीने तुम्हारे अभिषेक ने मेरी प्रिंसेस के साथ गुजारे ना, उतने साल मैंने उसके साथ गुजारे। मेरे सामने बड़ी हुई है वो, जिसे देख के मेरी सुबह नहीं होती थी आलिया, अब मुझे वो दिखती ही नहीं है। Do you remember? घर पे सुनने में आया कि कियारा किंग से मिलने गई थी या किंग कियारा से मिलने आया था। No, कोई नहीं है,
जिसके साथ मैं उसके बारे में बात भी करूं, कोई मुझे उसके बारे में बताता भी नहीं। उसके किडनैपिंग के बारे में मुझे टीवी में पता लगा। This is what my life has come to. उसकी यादें मुझे मरने नहीं देती, उसकी यादें मुझे जीने नहीं देती। ये उम्मीद कि एक दिन मैं कियारा का चेहरा देख लूंगा मुझे मरने नहीं देता। तुम पूरब से प्यार करती हो ना, तो तुम्हें पता होगा ना, जिससे प्यार करती हो अगर वो इंसान अचानक तुम्हारे सामने से गायब हो जाए, कभी ना मिलने पाए, वो कैसी तकलीफ होती है। कोई फादर अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। I loved my princess. मैं सिर्फ उसे वापस चाहता हूँ और उसे हंसते हुए देखना चाहता हूँ। बस मैं सिर्फ उसे हंसते हुए देखना चाहता हूँ। I'm sorry, Mr. King. क्यारा को लेकर हम सब इतने परेशान हैं कि उस चक्कर में मैं आपके ऊपर शक कर बैठी। Extremely sorry. Can I please have a hug? संभालिए अपने आप को प्लीज। I'm sorry once again. संभाली तो रहा हूं आलिया, इसने जो खो दिया उसे वापस पाके रहूंगा। काकी और क्यारा मेरे साथ ही आएंगे। सुनिए, मुझे लगता है दरवाजा अंदर से जाम हो गया है, मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा। आप प्लीज गेट के सामने से हट जाइए। प्लीज प्लीज मैं हट गई हूं। ओके शिट, ये तो अभी भी दूर दिखा रहा है। हेलो, कहाँ पहुंचा? चल बैठ, तू बाजू में बैठ, मैं चला था। चाणा बन रहा था चट्टी। बच्ची को लेके भागेगा, भाग।
चल एक नंबर, गन लगा इसके माथे पे अभी। और तू शेट्टी, तूने कोई भी हरकत की ना तो पहले गोली तुझे पड़ेगी, समझा? और प्रज्ञा मैडम जी, आपने तो डील की थी ना मेरे साथ, फिर भी खाली हाथ आ गई बच्ची को लेने, और किस पे भरोसा करके? इसके जिसकी खुद की जिंदगी का भरोसा नहीं है। ए? क्यों किया तूने ऐसा शेट्टी? क्यों? तू मेरे लिए काम कर रहा था ना, तो वफादारी भी मेरे लिए होनी चाहिए थी। तूने लेकिन दिया मुझे धोखा, इसकी सजा तुम मिलेगी, मिलेगी शेट्टी। प्रज्ञा जी, डेमो, अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना तो यही आपकी बेटी के साथ भी होगा, समझे? चला लेके चले से। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, कियारा को मत ले जाओ, प्लीज। चल अभी। जीपीएस लोकेशन पास में ही दिखा रहा है, हम बस सर डैम में पहुंचेंगे। रॉकी, ऑटो रिक्शा चला रहा है क्या? हाँ, जरा तेज चला ना। फुल स्पीड। भाई ये बहुत डिस्टर्ब कर रही है। क्या करो? गाड़ी से उतार दूँ उसे। हाँ, भाई एक काम करो, डैशबोर्ड खोलो। डैशबोर्ड में? रुको। हाँ भाई, इसे बेहोश कर दो, फिर डिस्टर्ब नहीं करेगी। Oh no. जिंदगी में पहली बार अच्छा आइडिया दिया तूने रॉकी, अच्छी चीज है, साथ में रखनी चाहिए, पता नहीं कब काम में आ जाए। आगे चलना भाई, नहीं जा सकते, सामने पब्लिक है। इन लोगों की लड़ाई खत्म नहीं होने वाली, मुझे कुछ करना होगा। आया टाइम नहीं है मेरे पास, चल आगे, कुचल दे सबको। भाई ऐसे कैसे कुचल दूं, पीछे पुलिस है। उतर, मैं गाड़ी चलाता हूं। उतर। भाई मैं चला रहा हूं ना। अरे उतर। उतर, मैं चलाता हूँ। भाई आप समझ क्यों नहीं रहे? अरे चुप रहे, पीछे पुलिस आर्गुमेंट का टाइम नहीं, मेरे पास आ गया। प्रज्ञा, कहाँ पर है आप? प्रज्ञा,
कहां से आवाज आ रही है? सुनिए मैं आओ। आराम से दी। मुझे कियारा मिल गई थी लेकिन वो किडनैपरों से छीन के ले गया। वो बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। मैं उसे बचा नहीं। ये कौन है? उसने मुझे फोन किया था। वो अच्छा आदमी। उससे कियारा के आंसू नहीं देखे गए। उसने मुझे फोन किया कि वो कियारा को लौटा देगा, बिना कोई पैसे भी। लेकिन वो किडनैपर आ गया। और इसकी तो सांसें चल रही हैं। हम इसे हॉस्पिटल ले चल, जल्दी। चल, चल। अगर दोबारा भागने की कोशिश की ना, मम्मी को मार दूंगा, समझी? और तू जानती है मैं कुछ भी कर सकता हूं। देखा है तुमने कैसे मैंने उस आदमी को गाड़ी से मारा था? क्या हुआ? किसी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, ना उसकी फैमिली ने, ना तेरी फैमिली ने, ना पुलिस ने। अगर तू चाहती है तेरी मम्मी के साथ ये ना हो तो मुझे गुस्सा मत दिलाना। नहीं दिलाएगी ना? अरे यार, पहले रोना बंद कर। रोना बंद, बिल्कुल चुप। वेरी गुड। चलो इसे ले जाके बांध दो। शेट्टी 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 शेट्टी, अच्छा आदमी था मुझे नहीं, लेकिन उसने मुझे डबल क्रॉस किया तो मैंने उसे मार दिया। अभी एक बात तुम लोग अपने भेजे में घुसा लो कि एक खून की सजा फांसी है तो तीन चार खून की सजा भी फांसी है। और अगर मुझे फांसी पे चढ़ना है तो मैं तीन चार लोगों को मार के ना चढ़ूं। बस ये ध्यान रखना कि वो तुम लोग ना, जिंदा रहना है दोनों तो का। उस इंसान को होश आ गया ना, वो बता देगा कियारा कहाँ है। कुछ हो जाता तो वो बहुत अच्छा इंसान है, इसीलिए तो उसे कियारा, उससे कियारा के आंसू नहीं देखे गए और उसने मुझे फोन किया। किडनैपर तुम्हें किडनैप कर लेता तो? नहीं नहीं, वो किडनैपर नहीं आता ना तो आज कियारा हमारे पास होती। अगर वो किडनैपर तुम्हें किडनैप कर लेता तो तुम मेरे पास नहीं होती। मैं सिर्फ कियारा को लेने आई थी। अकेले क्यों आई? मिली तुम्हें कियारा? नहीं ना, तुम मुझे बुला लेती तो मैं तुम्हारे साथ आता, हम दोनों मिलकर लड़ते, जीत जाते, कियारा को बचा लेते। हम इससे पहले भी हम ऐसी सिचुएशंस में थे ना, हम दोनों मिलकर लड़ते थे और जीतते भी थे, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया मुझे? मुझे लगा आप तुम्हारी तरह मुझे भी कियारा की फिक्र है। मैं भी उसके बारे में सोच सोच के रोता हूँ। उसमें हम दोनों का खून है तो हम दोनों का प्यार अलग अलग कैसे हो सकता है? पता नहीं क्यों सबको लगता है कि कियारा की सेफ्टी से पहले मैं अपनी ईगो को रख रहा हूं। हम दोनों के बचाने के तरीके अलग अलग, पर मतलब तो एक ही है ना, कियारा की सलामती। हम दोनों तो वही चाहते हैं, तो फिर क्यों? I'm sorry, मैं आपकी तकलीफ नहीं देख पाई। मुझे पता है हम दोनों की वादा करो मुझसे, तुम कहीं भी अकेले नहीं जाओगी। मैं वादा करती हूँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वादा करो मुझसे, तुम्हें कियारा के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे बताओगी। तुम सर मत हिलाओ, वादा करो ना मुझे। मैं वादा करती हूँ मैं आपसे कुछ नहीं छुपा दूँ। बस एक बार वो आदमी को होश आ जाए, हमें पता चल जाएगा कि कियारा है कहाँ। मुझे पता करना है वो किडनैपर कौन है और हमसे ऐसे बदला क्यों लेना चाहता है वो। मुझे पता है वो कौन है, पर मैं तुम्हारे भले के लिए तुम्हें नहीं बता रहा।